हाउ टू ब्लॉक एडल्ट कंटेंट ऑन फायरफॉक्स ब्राउजर। अगर आप फायरफॉक्स ब्राउजर में एडल्ट कंटेंट को 18 प्लस कंटेंट को ब्लॉक करना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से फायरफॉक्स ब्राउजर में एडल्ट कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी विंडोज़ यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने अपने कंप्यूटर में फायरफॉक्स ब्राउजर को ओपन कर लेना है। फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन करने के बाद आपने इसकी सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का एक ऑप्शन नजर आएगा। आपने यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करके ओपन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको DNS और HTTPS का एक ऑप्शन नजर आएगा। नीचे आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्शन सेलेक्ट है। आपने जो सेकंड नंबर पर इंक्रीज्ड प्रोटेक्शन है आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो क्लाउड फ्लेयर डिफ़ॉल्ट है यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से अपने कस्टम पर क्लिक करना है। ब्राउज़र में एक न्यू टैब ओपन करें, यहाँ पर आपने सर्च करना है OpenDNS। OpenDNS सर्च करने के बाद OpenDNS.com यहाँ पर आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने होम पेज पर कंज्यूमर के नीचे लर्न मोर का एक बटन नजर आएगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो इसके बाद यहाँ पर एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले OpenDNS फैमिली शील्ड है, नीचे सेटअप गाइड बटन पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर का ऑप्शन है, आपने यहाँ से कंप्यूटर वर्क स्टेशन एंड लैपटॉप पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक नई विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर ऑप्शन है, पहला आपने यूजिंग DNS ओवर HTTPS आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मोज़िला फायरफॉक्स का ऑप्शन है। यहाँ पर नीचे जो फैमिली शील्ड है इसके नीचे जो लिंक है HTTPS, आपने इस पूरे लिंक को यहाँ से कॉपी करना है। जैसे कि मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, लिंक कॉपी करने के बाद आप दोबारा सेटिंग में जाएं और यहाँ पर इस लिंक को आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप अब अपना जो फायरफॉक्स ब्राउज़र है उसे एक मरतबा यहाँ से क्लोज़ कर दें। यहाँ क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर आप दोबारा चेक करें, मैं आपको चेक करवाता हूँ। जैसे कि मैं दोबारा फायरफॉक्स ब्राउज़र ओपन करने के बाद सेटिंग में जाता हूँ, प्राइवेसी सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पर DNS वाले सेक्शन में आता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंक्रीज प्रोटेक्शन में यहाँ पर जो हमने लिंक पेस्ट किया था वो यहाँ पर लग चुका है। तो इस तरह से आप अपने फायरफॉक्स ब्राउज़र में जो एडल्ट कंटेंट है, 18 प्लस कंटेंट है, उसे इस तरह से बहुत आसान तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। Thanks for watching this video.